आर के नर्सिंग कॉलेज हूरगढ़वा एएनएम टू ईयर्स कोर्स में नामांकन प्रारंभ। एससी एसटी ओबीसी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था। दूर दराज के छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा। संपर्क करें 9939508578। खरौंदी से योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। खरौंदी बाजार स्थित बुड्ढा पीपल के नीचे पंचायत संवाद यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें पूर्व मंत्री के एन त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बैठक में भाषा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर पंचायत के स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर चर्चा की गई, जिसमें सभी लोगों ने सर्वसम्मति से कहा कि मैथिली हिंदी भाषा को नहीं हटाना चाहिए। लोगों ने बताया कि पलामू गढ़वा सहित 16 जिलों में हिंदी मैथिली एवं भोजपुरी बोली जाती है। इन भाषाओं को बोलकर ही हमारे क्षेत्र के लोग पले बढ़े हैं, हमारे बच्चे भी इन्हीं भाषाओं के बीच पल रहे हैं। चर्चा में मौजूद खरौंदी के लोगों ने कहा कि हिंदी भोजपुरी एवं मैथिली को नहीं हटाना चाहिए। इन भाषाओं को नियोजन नीति से हटाने से लोगों में आक्रोश है। हिंदी भाषा को नियोजन नीति से गौण करने के बाद स्थानीय बेरोजगार युवकों को परीक्षा देने में परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में झारखंड सरकार ने 12 भाषा ली है, उसे 16 भाषा कर देनी चाहिए। इस संबंध में स्थानीय लोगों की मांग को मुख्यमंत्री के पास जाकर आवाज उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा चुनाव के दौरान बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किया था, उसे तत्काल लागू किया जाए, जिससे बेरोजगार युवकों को इसका लाभ मिल सके। इस मौके पर कन्हैया चौबे, प्रदीप शर्मा, राहुल दुबे, राजेश कुमार रजक आदि लोग मौजूद थे। जी, पंचायत संवाद यात्रा में पंचायत में कई मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर लोग अपनी बात रख रहे हैं, उनका राय ले रहे हैं। हम लोग खरौंदी प्रखंड के खरौंदी बैठे हुए हैं। यहाँ अभी लोगों को सबसे बड़ा कंसर्न है नौकरी का, कि हमें नौकरी रोज़गार कैसे मिले, और रोज़गार में झारखंड सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों पर भी लोग बात कर रहे हैं कि हिंदी नहीं रहने से, क्षेत्रीय भाषा होने से उन क्षेत्रीय भाषाओं को लोग नहीं जानते, तो हम लोग एग्ज़ाम कैसे दें। या हिंदी रहे या जो क्षेत्रीय भाषा ये जानते हैं वो भाषा रहे, ताकि उसमें लोग एग्ज़ाम दे सकें और मेरिट में आ सकें, इनका अधिकार और पहचान बना रहे। इसके अलावे कुछ लोग विधायक कोटा किसी को नहीं मिला है उसकी बात कर रहा है, किसी को पंचायत की कुछ परेशानियां हैं, मनरेगा का काम नहीं हुआ है कहीं, तो उसकी बात कर रहे हैं। कई तरह की लोग बात अपने अपने बात कर रहे हैं। तो हम लोग पंचायत संवाद यात्रा में हैं। आज हम लोग खरौंदी केतार भवनाथपुर होते हुए गाड़ी हम लोगों की आ रही है। सर, भाषा पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग का भाषा कुछ चेंज कर दिया है, इसके चलते हम लोग कोई भाषा को सरकार को बदलना चाहिए। जी, जो 12 भाषाएं सरकार ने ली उसके जगह पर 16 भाषा ले ले, मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को भी ले ले। यदि सरकार नहीं लेना चाहती है तब भी कोई बात नहीं, हिंदी भाषा ले ले, ताकि हिंदी ले लेने से ये राज्य, अरे जिले जहाँ पर दूसरी भाषा, वो 12 भाषाएं नहीं बोली जाती, लोग नहीं जानते, वहाँ के लोगों को भी झारखंड में उनका अपना अधिकार मिल जाए। तो सरकार को तय करना है। सरकार को, हमें लगता है कि बाकी जिलों में दूसरी भाषा रखें और इस 16 जिलों में या 20 जिलों में बाकी 16 भाषा कर दें, बाकी में 12 भाषा रखें कुछ जिलों में जहाँ लोग नहीं बोलने वाले हैं। तो ये सरकार को करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। एक बार पंचायत संवाद यात्रा के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री से एक बार और मिलूंगा, अंतिम बार इस विषय पर एक बार और बात करूँगा। थैंक यू।